हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो टैरो विद सुमन शो। फ्रेंड्स, आज हम इतने राशियों की बात कर चुके हैं, आज हम बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ और देखना चाहेंगे कि कन्या राशि इस साल कैसी जाने वाली है, 2019 उनका कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्या राशि की कि कन्या राशि की फैमिली लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है। उसके लिए मैं देख पा रही हूं कि मिले जुले परिणाम रहने वाले हैं कन्या राशि वालों के फैमिली में। और अगर परिवार के किसी सदस्य से अनबन हो जाती है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि व्यर्थ की बहस के बजाय आप चीजों को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। बहस से कभी कुछ नहीं मिलता। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो मेरी ये राय है कि आप खुद को ही बदल डालिए, दुनिया को बदलने का झंझट मत लीजिए। तो अगर आप चीजों को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो घर में क्लेश का माहौल बना रहेगा। और बहुत संभव है कि अगर आप घर में ठीक हैं तो आस पड़ोस से तो आपका झगड़ा रहने ही वाला है। तो थोड़ा सा सकारात्मक सोच के साथ आप इन चीजों से बचिए। आपको आर्थिक कारणों से इस बार घर से बाहर भी रहना पड़ सकता है, परिवार से दूर जाकर भी रहना पड़ सकता है। यानी अर्निंग्स के लिए शायद आप ऐसा मन बना रहे हैं कि आप घर परिवार से दूर कहीं कुछ दिन के लिए जाके रहें, कहीं सोच लें आप जॉब के लिए या बिजनेस के लिए कि मैं बाहर जाकर कहीं करूं। तो इस सिलसिले में आपको अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ देखते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए कार्ड्स क्या बोलते हैं। मैरिड लाइफ जो कन्या राशि वालों के लिए है, मैं देख पा रही हूं कि आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और बहुत सारी लंबी योजनाएं जो थी आपकी पेंडिंग पड़ी थी, इस बार आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर उन योजनाओं पर काम कर सकते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। आपके पार्टनर यदि जॉब में है तो उनकी मेहनत रंग लाएगी और उनकी हेल्थ इन दिनों कुछ खराब रहेगी, जिसके चलते वो घर परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे। तो आपको समझना चाहिए कि एक तो उनके ऊपर वर्क प्रेशर है और दूसरा उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपने साथी का साथ देना चाहिए और आपको अपने साथी से कुछ खास लाभ मिलने के योग हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को लाभ मिलने वाला है। और साल के अंत में, हाँ, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि साल के अंत में किसी बेहद चालाक और शक्तिशाली व्यक्ति की प्रेजेंस से आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो आपके रिलेशन आपस में खराब हो सकते हैं। अदरवाइज आपको पूरे साल में देख पा रही हूँ कि अपने पार्टनर से अच्छा सहयोग मिलने वाला है। हेल्थ की बात करें तो कन्या राशि वालों की हेल्थ इस बार कैसी रहने वाली है, मैं देख पा रही हूं कि साल की शुरुआत में काम की अधिकता के कारण आप बेहद थके और उखड़े हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम क्या आप अपने आप को बेहद फिट महसूस करेंगे। कहीं कहीं किसी किसी केस में, सब पर लागू नहीं होता, लेकिन किसी किसी केस में थोड़ा सा मैं देख रही हूं कि हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है छोटी मोटी, लेकिन आप इससे निकल जाएंगे। और अगर हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो कोई ना कोई इमोशनल पेन्स, मैं देख पा रही हूं कि उनको कुछ इमोशनल पेन्स रहेंगे जिसकी वजह से वो थोड़ा तकलीफ में रह सकते हैं। डिहाइड्रेशन और ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम साल के अंतिम महीनों में मैं देख रही हूं कि छोटी मोटी ये प्रॉब्लम है, निकल जाएंगे, ऑलमोस्ट आप फिट रहेंगे। करियर की बात करें कि कन्या राशि वालों की करियर कैसे रहने वाला है, तो मैं देख पा रही हूं कि कई मौके ऐसे होंगे जहां आपको बड़ी शानदार सफलता मिल सकती है। आप अपने आप को बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप अपनी प्रभावशाली वाणी से, अपने वॉइस के मैजिक से, बात करने के तरीके से अपने करियर में बड़ी अच्छी सफलता हासिल करेंगे। मई से अक्टूबर तक आप बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर जाने वाले हैं, लेकिन इसी होड़ में, ध्यान रखिए कि इसी होड़ में आप में भ्रष्टता, कड़वाहट और क्रूरता आने के योग हैं। तो प्लीज इन चीजों से बचिए, क्योंकि इन चीजों से कोई फायदा नहीं होने वाला होता है। इसी के चलते आप अपने किसी पुराने मित्र तक को खो देंगे। अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया तो आप कुछ खोएंगे ही पाएंगे नहीं। इस समय आप अपना धीरज मत खोएं और एक सकारात्मक सोच के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ आप आगे बढ़िए। बिजनेस कैसा रहने वाला है, बात करें बिजनेस की तो बिजनेस के लिए कार्ड बताते हैं कि ऊर्जा, जोश और आत्मविश्वास से आप काम करते हुए बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ पाने में सक्षम होंगे, यानी कि आप टीम वर्क में काम करेंगे। बिजनेस में कुछ आप नए प्लान्स जोड़ सकते हैं और बिजनेस में कुछ नए आइडियाज आप ला सकते हैं। आप अपने स्वभाव को थोड़ा सा लचीला बनाइए, इस साल आपने अपने आप को हठ में नहीं बांधना है। आपकी इनकम के नए नए साधन बनने वाले हैं, उसी प्रकार आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर इनकम बढ़ती है तो खर्चे बढ़ाने में क्या हर्ज है।
इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कन्या राशि की इन्वेस्टमेंट कैसे रहने वाली है, मार्च तक मैं देख पा रही हूँ कि शेयर बाजार जो है वो बहुत ज्यादा अस्थिर रहेगा, तो उस वक्त आपको निवेश नहीं करना चाहिए। मार्च के बाद अगर आप प्रॉफिट मार्जिन से समझौता करते हैं तो आप कुछ सामान्य सा लाभ ले सकते हैं। और व्यापार में अगर मैं कहूं कि व्यापारिक और प्रैक्टिकल दोनों दृष्टिकोण अगर आप एक साथ आजमाते हैं तो अचल संपत्ति के जुड़े मामलों में भी आप सावधान रहें, नहीं तो अगर आप अपनी अचल संपत्ति के प्रति लापरवाही करेंगे तो कोई कोर्ट केस होने की संभावना बनती है और आप किसी झगड़े मुकदमे इत्यादि में फंस सकते हैं। बात करें रोमांटिक लाइफ की, कन्या राशि वाले जातकों की रोमांटिक लाइफ कैसे रहने वाली है, फिर वही बात निकल कर आ रही है कि अड़ियल रवैये से बचें, नहीं तो आप अपने पार्टनर तक को खो सकते हैं, इसलिए आप समझौते में ही इसका आनंद ले सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी अन्य पार्टनर की भी कल्पना कर सकते हैं, आप किसी और के बारे में भी सोच सकते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आप थोड़ा सा अपनी सोच पर लगाम लगाइए। और यदि आप सिंगल हैं तो कोई हल्के रंग के बालों वाली महिला के आपके जीवन में आने के संकेत हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो ऐसा ही पार्टनर आपको मिलने की संभावना है। बात करें स्टडी की तो आपकी स्टडी कैसे जाने वाली है, तो स्टडी में स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगी कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसे वो रिजल्ट्स नहीं ला पाएंगे, उनका मन किसी अन्य रहस्यमय चीजों को जानने में लगेगा, वो नए नए रहस्यों को एनहांस करने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको बेहद मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन नवंबर दिसंबर में जाके कुछ अच्छे रिजल्ट आ ही जाएंगे। बात करें स्पिरिचुअलिटी और मेंटेलिटी की तो कैसा रहेगा ये साल उनका, दुनिया के प्रति आपको एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होने वाला है। अनुभवी लोगों से आप अपने मन की बात को शेयर कर सकते हैं, अपने गुरुजनों से या अनुभवी लोगों से, तो अगर आप शेयर करते हैं तो किसी नए मार्ग का भी आप अनुभव ले सकते हैं, हो सकता है आप कुछ नई चीजों को फेस करें। साल में ओवरऑल मैं देख रही हूं कि आपका अड़ियल रवैया रहने वाला है। और दूसरी जो चिंता की बात ये है कि प्रॉपर्टी के जो इश्यूज होंगे उसमें आप थोड़ा सा परेशान होने वाले हैं, तो अड़ियल रवैये को और नकारात्मक हो, क्योंकि आप इस साल थोड़ा नकारात्मक रहेंगे जिस वजह से आप बहुत से लोगों से झगड़ा करने वाले हैं, अनबन करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने घर में सॉल्ट लैंप लगाइए जो आपकी मन की नेगेटिविटी को, आपके आसपास के वातावरण की नेगेटिविटी को क्लियर करेगा। प्लीज आप इस कार्य को जरूर कीजिए। और प्रॉपर्टीज इश्यू की बात रही तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस साल आप किसी प्रॉपर्टी इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो उसमें से आराम से निकलने के लिए आपको क्या हेल्प करेगा, आर्थोसिरस और एमोनाइट का पेंडेंट। हाँ जी, इन दोनों क्रिस्टल्स का आप एक पेंडेंट बनाकर वियर कर सकते हैं और ये बहुत महंगा भी नहीं है, आसानी से आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर्टीज इश्यू के लिए इन क्रिस्टल्स का पेंडेंट वियर कीजिए। और रिलेशनशिप, क्योंकि आपकी हर जगह रिलेशनशिप खराब होती दिखाई दे रही है, तो रिलेशनशिप के लिए भी मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताती हूँ कि रोज क्वार्ट्स और एमोनाइट। जी हाँ, एमोनाइट वैसे भी एक बहुत अच्छा क्रिस्टल माना जाता है, मल्टीपल इसके बेनिफिट हैं। तो रोज क्वार्ट्स और एमोनाइट का आप एक मिलाकर पेंडेंट बना सकते हैं और उसको वियर कर सकते हैं, तो साल भर आपको इसके अच्छे रिजल्ट रहेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी एस्ट्रो प्रिडिक्शंस, टैरो प्रिडिक्शंस पसंद आई होंगी। तो मेरे साथ मुझे अपना समय देने के लिए, ध्यान से मेरा वीडियो सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे आपको वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।